मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धनदेश पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोल की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में चलिए मेरे साथ करिए ट्रेन में सफर, जहां महाराज जी बिल्कुल तैयार हैं कहीं जाने के लिए, है ना। ट्रेन से सफर किया करते थे महाराज जी। महाराज जी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, एक उनका भक्त है और पहले उन्होंने कह दिया था कि रिजर्वेशन करा लेना भाई, उससे जाना है। भक्त ने तमाम प्रयास किए लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिला। अब खड़े हैं, साधारण टिकट ले ली है और भक्त अब प्रयास में है कि अब टीटी से करा लें, है ना। जिस गाड़ी से उन्हें आगे की यात्रा करनी है वो कलकत्ता से कालका को जा रही है। टीटी को जैसे ही भक्त दिखाई पड़ता है या भक्त को टीटी दिखाई पड़ता है, भक्त दौड़ के जाता है और कहता भाई साहब दो बर्थ दे दीजिएगा। बड़े छल्लाने के मूड में कहता है, पागल हो गए हो क्या है, ये कलकत्ता से कालका जा रही, एक सीट खाली नहीं है, नहीं मिल पाएगी। झड़क दिया उसने। महाराज जी खड़े हैं, वो उदास चेहरा लटकता हुआ चेहरा लेके पहुंचा सामने ही। महाराज जी कहते हैं अटेंडेंट। भक्त समझ गया जो अटेंडेंट था गाड़ी पर वो ही सामने था। वो गए, भैया जी बताओ कोई यार सीट ईट है। कहते भैया सीट तो नहीं है भाई, यहां एक चीज है, दो सीटें खाली हैं, दो बर्थ हैं। वो कलकत्ता से रिजर्वेशन कराए थे कालका का और वो मुगल सराय में उतर गए, वो कालका तक दो खाली हैं, वो आपको मिल जाएंगे। महाराज जी और वो दोनों लोग उस बर्थ पर पहुंच जाते हैं, अलॉट कर दी जाती हैं वो सीटें। देखिए पूरी गाड़ी कलकत्ता से कालका तक पूरी फुल रिजर्व। कैसी लीला होती है कि बंदा कलकत्ता से चला है, मुगल सराय उतर गया, क्योंकि महाराज जी को आगे जाना है। मित्रों संसार में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगता है कि अब ये नहीं हो सकते, यानी फुल रिजर्व है गाड़ी, लेकिन अगर आप प्रयास करोगे तो आप उस काम को कर सकते हो। इस कथा से शिक्षा मिलती है ना। तो कभी मान के मत बैठ जाइए चुपचाप कि ये हो नहीं सकता, सब कुछ हो सकता है, केवल प्रयास करने की देरी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो